हाँ देखिए बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी ड्यू टू टू अपोजिटिवली चार्ज प्लेन शीट। अपोजिटिवली चार्ज, अभी इससे पहले मैंने क्या पढ़ा, सेम पॉजिटिवली चार्ज, अब अपोजिटिवली चार्ज, यानी एक पर प्लस रहेगा, दूसरे पे क्या रहेगा, माइनस रहेगा। तब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी थ्री रीजन में कैसे आता है, कितना होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, प्लेन शीट है, एक ये है, एक ये है। इस पर प्लस ले लिया मैं, इस पर माइनस माइनस ले लिया, सिग्मा वन सिग्मा टू फर्स्ट हो गया, सेकंड प्लेट हो गया, ये आउटर साइड है, आउटर साइड, ये आउटर साइड, ये इनर साइड, ठीक है ना, आउटर साइड इनर साइड, ये पी है, ये पी है, ये क्यू है, और ये आर है, ठीक है ना। ठीक, अच्छा ये बताइए इसके कारण, इस प्लेट के कारण, ये पॉजिटिव प्लेट के कारण इस पर जो फील्ड होगी वो कितनी होगी, बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होगी, ठीक। और इस नेगेटिव के कारण इधर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। अब देखो आर पर क्या होगा, इसके कारण क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा, और इसके कारण कितना होगा, ये बोलिए, अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है ना। लेकिन इस पॉइंट पर देखो आप लोग, इसके कारण क्या करेगा, ये क्या करेगा, अपने से दूर भगाएगा, और ये क्या करेगा, ये बुलाएगा, इवन ई टू है, ठीक। तो अब देखना आप लोग, हम क्या करेंगे, तीनों पॉइंट पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। लेकिन सबसे पहले प्लेट वन के कारण कितना होता है फील्ड, मैं पिछले लेक्चर में मैं लिख चुका, ये इवन कितना होता है इसके कारण है, सिग्मा वन बाय कितना हो जाएगा, टू एप्सिलॉन, लिख देता हूं उधर, ई एफ आई ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, प्लेट कितना होता है, ई वन विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, होता है ना, दिखाया हूं, ई एफ आई ड्यू टू सेकेंड प्लेट, ई टू विल बी इक्वल टू सिग्मा बाई सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अगर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता तो हम के का मल्टीप्लाई कर देते, ठीक। अब बताइए इन आउटर साइड, आउटर साइड, आउटर साइड में एट पॉइंट पी पर हमको क्या करना है, देखिए नेट फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट फील्ड ई विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए पॉइंट पी पर बताइए, ये इधर ई वन था और इधर कितना था, ई टू था, आप फिगर देखो अपना, तो बताइए ये क्या हो जाएगा, ई टू माइनस ई वन में लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, ई विल बी इक्वल टू सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन माइनस सिग्मा सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन। तो यहां कितना हो जाएगा, बोलो, सिग्मा विल बी इक्वल टू वन बाई टू एप्सिलॉन सिग्मा टू माइनस सिग्मा वन हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉइंट पी पर। इफ क्या हो जाएगा, सिग्मा वन सिग्मा टू विल बी इक्वल टू सिग्मा हो जाए, तब ई कितना हो जाएगा पता है, सिग्मा वन माइनस सिग्मा, ये कट जाएगा, ई कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, हम राइट। तो आउटर साइड में एक पॉइंट पर मैंने देखा फील्ड कितना होगा, जीरो हुआ। अब आउटर साइड सेकेंड पॉइंट पर देखते हैं, यानी एट पॉइंट पॉइंट आर, बाहर एकदम,
देख रहे ना बाहर, यहां पर आर पर, आर पर। तो ये आर है, ये फर्स्ट भगाता है और सेकंड क्या करता है, बुलाता है। ठीक, तो E will be equal to कितना हो जाएगा, E1 minus E2, E will be equal to डायरेक्ट लिखता हूं कॉमन लिया सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू, कितना हो जाएगा सिग्मा टू। ठीक, अगर मैं कह दू इफ सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा हो जाए तो E कितना हो जाएगा टू एप्सिलॉन सिग्मा माइनस सिग्मा, ये कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा E बराबर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ठीक, उधर साइड भी जीरो हो गया। अब इन बिटवीन प्लेट देखते हैं, इन बिटवीन प्लेट ये प्लस प्लस था और ये प्लेट क्या था माइनस माइनस था, ये सिग्मा वन सिग्मा टू यहां क्यों था, इसके कारण ये क्या करेगा प्लेट फर्स्ट के कारण इधर जाएगा, इसके कारण भी इधर ही जाएगा। ठीक है ना, तो अब देखिए इनर साइड में क्या हो जाएगा, हाइट पॉइंट क्यू हो जाएगा। ठीक, नेट फील्ड बताओ, E विल बी इक्वल्स टू E1 E1 प्लस E2, समझ गया ना, E विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, E1 कितना है E1 कितना है, E1 की वैल्यू कितनी थी सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन प्लस सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन, E विल बी इक्वल्स टू वन बाई टू एप्सिलॉन बाहर E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक, मैं कह दू इफ सिग्मा वन सिग्मा टू विल बी इक्वल टू सिग्मा, तो E कितना हो जाएगा वन बाई टू एप्सिलॉन सिग्मा प्लस सिग्मा, कितना हो जाएगा बोलो, E विल बी इक्वल टू टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन, कट गया E will be equal to sigma by epsilon। अगर dielectric constant क्या हो, K is dielectric, dielectric तो E will be equal to कितना हो जाएगा sigma by K epsilon zero, right? क्या मतलब दोनों प्लेटों के बीच क्या हो जाएगा, दोनों प्लेटों के बीच कोई dielectric material आ जाए, समझिए ना, ये K कोई dielectric material रख दीजिए तब ऐसा हो जाएगा। तो आपने क्या देखा, इसका जो सारा जो क्लू मिला वो क्या मिला, इसका रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट मैं आगे पेज में दिखाता हूं। ये हमारे पास ये था, ये पॉजिटिवली है और नहीं नेगेटिवली है, इसका मतलब आउटसाइड में फील्ड जीरो है। इसमें क्या है, अगर अपोजिटिवली चार्ज है आउटसाइड में फील्ड जीरो है और अंदर कितना है सिग्मा वाई एप्सिलॉन है, ये आपने देखा पहला नंबर। दूसरा नंबर आपने क्या देखा, दोनों अगर सेम पॉजिटिवली हैं, सेम पॉजिटिवली हैं, तो बाहर फील्ड था सिग्मा वाई एप्सिलॉन लेकिन अंदर क्या था जीरो था। अगर अपोजिटिवली चार्ज है तो अंदर फील्ड होगा, आउटसाइड में नहीं होगा। अगर सेम पॉजिटिवली चार्ज है तो आउटसाइड में होगा, इनर साइड में नहीं होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो समझ में आया? यस सर। अब हम लोग हिंट डालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी ड्यू टू चार्ज
चार्ज स्फेरिकल शेल, और वो हम लोग कल करेंगे. ओके okay?